जब इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, तो मुझे लगा कि यार ये मूवी देखी जानी चाहिए, क्योंकि काफी बढ़िया चीजें मुझे लग रही थी, काफी उम्मीदें मैंने इससे लगा ली थी। लेकिन 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 खैर, तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पीक नो एविल मूवी के बारे में, जो तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट के आसपास इसकी लेंथ है। और आपने एक बात सुनी भी होगी कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि कवर देखकर बुक के बारे में आप हिसाब किताब मत लगाइए, आप जज मत करिए। मतलब सेम चीजें आप ट्रेलर पे भी लागू कर सकते हैं। अगर किसी मूवी का ट्रेलर अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो मूवी अच्छी निकलेगी। और सेम चीज मैं अगर कहूं, मूवी का ट्रेलर अगर खराब है तो यहां पर ज्यादातर चांस होते हैं कि मूवी खराब ही निकलेगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मूवी कितनी ज्यादा खराब है या कितनी ज्यादा हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है, कितनी ज्यादा अच्छी है, इसके ऊपर आएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी की कहानी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो एक कपल है पैडी और सियारा, तो ये एक वेकेशन के ऊपर या छुट्टियां मनाने के लिए कहीं गए होते हैं, और वहीं पर इनको एक और कपल मिलता है लुइस और बेन का, जो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं। ऑब्वियसली वहां पर घूमने के लिए आते हैं, तो ये दोनों कपल मिलते हैं। और ये जो लुइस और बेन है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे होते हैं, मतलब इनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है पैसों को लेकर। लेकिन ये फॉरनर का बिल्कुल सही है यार, पैसों की दिक्कत हो या ना हो, तंगी आई हो या ना हो, लेकिन इनका घूमना फिरना नहीं रुकना चाहिए। घूमेंगे जरूरी है, मतलब अपना मेंटली स्ट्रेस कम करने के लिए शायद, इसलिए ये सब चीजें ज्यादा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो पैडी और सियारा है वो इनको इनवाइट करते हैं, यानी लुइस और बेन को इनवाइट करते हैं कि तुम वीकेंड के लिए अपनी बेटी के साथ हमारे घर पर आओ, एक वीकेंड हमारे साथ गुजारो, मतलब छुट्टियां यहाँ पर हमारे साथ गुजारो, आपको तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो लुइस और बेन जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि पैडी और सियारा के घर पे जाया जाए, एक वीकेंड वहां पर बिताया जाए, उनके साथ छुट्टियां मनाई जाए। लेकिन जब ये इनके घर पर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे इनको एहसास होता है पैडी और सियारा का कोई एक बहुत ज्यादा भयानक राज है जो छुपा हुआ है, और केवल इन्होंने इनको यानी लुइस और बेन को इसलिए नहीं बुलाया है कि यहाँ पर घूमो फिरो एंजॉय करो, इनके पीछे इनका और भी राज है, किसी और वजह से भी इनको यहाँ पर बुला रखा है। अब वो वजह क्या है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब वो चीजें आपको जाननी है, कैसे जो लुइस और बेन है वो अपने आप को बचाते हैं, पैडी और सियारा का क्या वो खतरनाक, क्या वो भयानक राज है, इन तमाम सवालों के लिए तो देखो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बता सकता, मुझे गालियां थोड़ी ना खानी है। तो ये होगी इस मूवी की कहानी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या अच्छा है। तो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इस मूवी के अंदर लगी वो पैडी का करेक्टर है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस यहाँ पर पैडी के करेक्टर के द्वारा दी गई वो काफी ज्यादा बढ़िया मुझे लगी, काफी खतरनाक है। और जो पैडी का जो मतलब एक व्यक्तित्व व्यवहार यहाँ पर दिखाया गया, एक पुरुष होने का कि भाई मैं पुरुष हूँ, यहाँ पर मेरी ही चलेगी, वो एक काफी जेन्युइन चीज लगती है वहां पर। बहुत आपको एक मतलब डरावना सा, एक खतरनाक सा फील वहां पर होगा, बहुत जबरदस्त चीज मुझे लगी पैडी का करेक्टर जो मैं बात करूं। बाकी ऑब्वियसली सबने भी बढ़िया काम किया, लेकिन पैडी का करेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं जिसमें हमें कोई ना कोई चीज पसंद आ जाती है, सेम ऐसा ही होता है पैडी का करेक्टर यहाँ पर, ऐसा होगा कि मूवी देखने के बाद आपको वही करेक्टर जो वो याद रहेगा। बाकी मूवी में जो क्लाइमेक्स है वो ठीक है, मतलब उसकी भी हम बात करेंगे, नेगेटिव चीज के अंदर उसके हम बात करेंगे। मूवी की कहानी एक ऐसी है जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं, मतलब कि ये सब चीजें जो है वो रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो सकती है, कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, ऐसी कहानी आपको इसके अंदर देखने को मिली है। और अगर आप इसको बहुत बड़े टीवी के ऊपर देख रहे हैं, मतलब 50 इंच 55 इंच या उससे भी ज्यादा बड़े टीवी के ऊपर आप इसको देख रहे हैं, बढ़िया एक 4K आपके पास टीवी लगा हुआ है, तो एक बहुत जबरदस्त आपको ये एक्सपीरियंस देगा। क्योंकि मैंने ऑब्वियसली अपने इसको LED टीवी के ऊपर देखा है, तो मुझे वो बहुत ज्यादा एक बढ़िया लगा है 4K के अंदर इसको देखा, तो एक सुंदर व्यू इसके अंदर आते हैं, सीनरी व्यू इसके अंदर हम बात करें इस मूवी के अंदर, वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली इतने बड़े टीवी के ऊपर आप देखते हैं तो साउंड अच्छा है, वो मेरे पास है, आपके पास है, तो शायद आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाए, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। तो ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं इस मूवी के अंदर क्या कमियां हैं। देखो जो मूवी की स्टोरी है, जैसे मैंने कहा कि हाँ आप यकीन कर सकते हैं, कोई ऐसा कर भी सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, अब किसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसकी मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा एवरेज है, या एवरेज से भी मैं कहूं कि नीचे की आती है, बिलो एवरेज मैं कह सकता हूं। 1 घंटे 50 मिनट इस मूवी की लेंथ रखी गई, और 1 घंटे तक आपको वेट करना पड़ता है कि इसके अंदर कुछ अच्छा या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला होता है। अब शायद कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार 1 घंटा शायद आपको वेट करना इसलिए पड़ा क्योंकि कहानी को डेवलप होने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि यार किसी भी कहानी को डेवलप होने में टाइम चाहिए होता है, हाँ कुछ को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, कुछ को कम चाहिए होता है, लेकिन जो डेवलप कहानी हो रही होती है ना उसके अंदर भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपको लिटरली 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि उस 1 घंटे के बीच में मैंने मूवी बंद भी कर दी थी क्योंकि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं बन रहा था, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वो मजा वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था कि यार मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं, तो मैंने उस मूवी को बीच में 1 घंटा कंप्लीट होने से पहले इसको बंद कर दिया। बाद में मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया कि यार एटलीस्ट मैंने इस मूवी को
देखना शुरू किया, उसको कंप्लीट तो करूं। और मुझे नहीं लगता कि हर एक इंसान में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है कि वो धैर्य रख सके कि हाँ इसकी कहानी आगे क्या होने वाली है, एक घंटे तक इसके अंदर पेशेंस रखना, यानी मतलब एक घंटे 50 मिनट की मूवी, एक घंटे तक तो आपको मतलब आधे से ज्यादा टाइम तो आपको इसके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है इस मूवी के अंदर। बाकी जो करेक्टर है बैन का, जो करेक्टर जो एक हस्बैंड है, वो मुझे काफी ज्यादा निराश किया। वो एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है उस करेक्टर को देखकर। मुझे समझ नहीं आया कि यार जिस तरीके का करेक्टर राइटर ने यहाँ पर लिखा वो क्यों लिखा है, क्या सोचकर वहां पर लिखा है। एक इतना वीक करेक्टर, एक हस्बैंड जो अपने परिवार को वहां पर जो मुसीबत के अंदर है उसको बचाने के बजाय वो बहुत ज्यादा फट्टू जिस तरीके का इसके अंदर दिखाया गया, वो देखकर काफी ज्यादा इरिटेशन होती है। आई डोंट नो कि वो राइटर ने क्या सोचकर इस करेक्टर को डेवलप वहां पे किया है। और अगर मैं बात करूं इस मूवी की एंडिंग की, तो जिस तरीके का इस मूवी का नाम था भाई स्पीक नो इवल करके, मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा भयानक एंडिंग हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो चीज नहीं होती है। वो एक उम्मीद मैंने जो मूवी के साथ जो इसका ट्रेलर देखकर इसका नाम देखकर मैंने लगाई थी, नहीं वो सब चीजें तो नहीं होती। उन उम्मीदों पे तो बिल्कुल भी 1% भी ये मूवी खरी नहीं उतरती है। और जैसे मैंने कहा क्लाइमेक्स अच्छी भी चीजों में बात की, लेकिन क्लाइमेक्स इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हम उससे नहीं लगा सकते हैं। और सच में अगर पैडी का जो करेक्टर है इस मूवी में अगर आप उसको हटा दें तो मैं शायद ही कह सकता हूं कि इस मूवी को कोई देखे, क्योंकि वो ही एक पैडी का करेक्टर है जो इस मूवी में आपका इंटरेस्ट बनाएगा। और कुछ भी इस मूवी के अंदर ना कहानी में इतना दम है, ना क्लाइमेक्स, ना एंडिंग, किसी चीज के अंदर मूवी के अंदर दम नहीं लगता, ना ही वो डरावनापन फील होता है जैसे इसका नाम रखा है, या जो चीजें आप इसके अंदर इंटरेस्ट बनाने के लिए जो कहानी को डेवलप कर रहे थे वो सब चीजें हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। तो ये हो गई इस मूवी की कमियां। अब ओवरऑल अगर हम बात करूं तो देखो यार, एक बहुत ज्यादा वीक स्टोरी के साथ ये मूवी आती है। 1 घंटे 50 मिनट ये मूवी की लेंथ है। अगर आपके पास इतना ज्यादा पेशेंस है कि आप 1 घंटे तक वेट कर सकते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है, और उसके बाद भी ज्यादा उम्मीदें आप नहीं लगा सकते कि हाँ हमें बहुत ज्यादा बढ़िया एंडिंग क्लाइमेक्स हमें देखने को मिलने वाला है, उसके साथ अगर आप मतलब इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये मूवी देख सकते हो। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो रिव्यू आपके सामने, आप खुद अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। बाकी हिंदी डबिंग की बात करें तो हाँ हिंदी डबिंग बढ़िया है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।